नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। पीछे वीर शहीदों की जो है तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिक जो है उन्होंने अपनी पराक्रम का परिचय दिया, मगर जो है चीन जो था उसके कुछ लोग थे, उन्होंने धोखे से जो है उनको मार डाला। हमारे बीच में जो है जोधाना वॉरियर्स के संस्थापक कुंवर नरेंद्र सिंह जी बड़गुजर मौजूद है। आज इनके द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी गई इन शहीदों को, जिन्होंने भारतीय जो है नागरिकों को बचाने के लिए हमेशा शौर्य की जो है पराकाष्ठा जो है वो पार करी है। सर, ये एक बहुत ही दुखद है कि भारतीय जवान शहीद हुए, मगर हाँ शौर्य जो है वो जितनी इनकी वीरता की तारीफ की जाए वो कम है। आज आपने श्रद्धांजलि जो है इनके लिए रख करके जो है एक भारत माता का जो है वो मान बढ़ाया है, उन्होंने जैसे भारत माता का मान बढ़ाया है, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय जोधाना। भारत माता का मान तो इन सैनिकों ने बढ़ाया है और मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। जोधाना वॉरियर्स बस इन वीर शहीद सपूतों को आज श्रद्धांजलि दी है। उन सभी सैनिकों को हमारा सैल्यूट है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम सभी देशवासियों की रक्षा के लिए दिन रात हर मौसम में, हर विपत्तियों में, हर विकट परिस्थितियों के अंदर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और चाहे कैसे भी मुश्किलें हो उन हालातों में भी वो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य नहीं भूलते। जैसा कि हमने अभी देखा था कि चीन बॉर्डर के यहाँ पे जो भारतीय सीमा लगती है गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। हमारे सैनिकों ने बड़ी वीरता का परिचय देते हुए चीन को पीछे खदेड़ा भी और इसी मुठभेड़ में हमारे देश के 20 अमूल्य सैनिक शहीद हो गए। आज हमें इसका दुख भी है क्योंकि हमने अपने देश के जवानों को, सपूतों को खोया है, लेकिन आज हमारा गौर से सीना चौड़ा भी है कि हमने चीन जैसी महाशक्ति, जो बहुत महाशक्ति बनता है, उनकी आज सैकड़ों हजारों की तादाद में जो सैनिक थे उनको हमारे बस कुछ चंद सैनिकों ने खदेड़ के भगा दिया और आज पूरे भारत का नाम उन्होंने पूरे विश्व पटल पर हमारी सेना का नाम रोशन कर दिया। तो ऐसे शहीदों को हमारी ओर से हृदय से हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी है और हम चाइना को ये बताना चाहते हैं कि चाइना अपनी हरकतों से बाज आ जाए क्योंकि इस भारत भूमि ने अनेक वीरों को जन्म दिया है और हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए देश की सेना के साथ भारत का हर एक नागरिक अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। हमारे देश की एक इंच भूमि भी कब्जाने की कोई सोचे तक नहीं, ना उनके तरफ कोई निगाह उठाए, बस यही संदेश है। और हमारा एक जो शहीद परिवार है उनको भी हमारी ओर से, उनको भगवान परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको ये दर्द सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पूरा देश, जोधाना वॉरियर्स ग्रुप और जितने भी देश के नागरिक है वो सभी देश की सेना के साथ है और हम सब एक है। जय हिंद, जय जोधाना। जैसा कि जय जोधाना की बात करें और जय भारत, जय हिंद की बात करें, भारत की भूमि पर एक इंच का भी कब्जा जो है वो नहीं हो पाएगा। आज जो है ये बात पूरी साबित भी हो चुकी है और जहां अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि तीनों सेनाओं को जो है वो छूट दे दी गई है। जिस भाषा में दुश्मन समझे उसी भाषा में उनको समझाया जाएगा और तीनों सेनाओं को जो है खुली छूट दे दी है। अगर कोई भी चीन जो है हिमाकत करेगा उस हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। खबरों सिलसिला यूं ही चल रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।